हाँ बताओ क्या दिक्कत है। डॉक्टर साहब, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। मैं कोई उम्मीद से नहीं हुई हूँ। मैं चाहती हूँ आप मेरा अच्छे से इलाज कर दें। हाँ क्या है। डॉक्टर साहब, ये मेरी रिपोर्ट है। और ये मेरे हस्बैंड की है। तुम चिंता मत करो, इलाज हो जाएगा तुम्हारे हस्बैंड का। हाँ ठीक हो जाएंगे और आप माँ बन जाओगी। अरे डॉक्टर साहब, रिपोर्ट सही से देखो, कमी मेरे हस्बैंड के अंदर नहीं, मेरे अंदर है। क्या? हाँ, अरे नहीं, कमी तुम्हारे हस्बैंड के अंदर है, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तुम तो माँ बन सकती हो, कमी तुम्हारे हस्बैंड के अंदर है। क्या इसका मतलब मेरा हस्बैंड मुझसे झूठ बोल रहा था कि कमी मेरे अंदर है? हाँ हो सकता, मतलब अपनी बात छुपाने के लिए और कमी तुम्हारे सर पर रख दिए, और अगर तुम चाहो तो माँ बन सकती हो। अच्छा, वो कैसे? अरे तुम बिना कितनी नादान हो, कितने दिन हो शादी को? 10 साल बताया ना। 10 साल हो गए, तुम्हें ये नहीं पता माँ कैसे बनते हैं? नहीं, आप बता दो। अरे तुम्हें माँ हम बना देंगे ना, बस थोड़ा साथ दो, बस तुम्हें अरे कमरे में चलना पड़ेगा। ये कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर साहब, ये तो गलत है। 10 साल हो चुके हैं तुम्हारी शादी को, वो सब ठीक था। देख लो तुम्हारा मन है, वरना रास्ता बाहर है, आप जा सकती हो। लो उठाओ। नहीं, डॉक्टर साहब, मुझे माँ बनना है, और कोई तरीका नहीं है? और कोई तरीका कैसा हो सकता है? बस माँ बनने के लिए तो तुम्हें मेरे साथ सोना होगा, और रूम अंदर है। चलो, अरे 5 ही मिनट की तो बात है, क्या सोच रही हो? और तुम्हारे हस्बैंड को पता भी नहीं चलेगा, कैसे अगर पता चल गया तो? पता चलेगा? बताओगी तुम जाके? नहीं, तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हें जानता भी नहीं, नहीं वो मुझे जानता। बोलो ठीक है। चला। अब तुम माँ बन जाओगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, माँ बन जाओगी। और तुम्हें ना लगभग 6 महीने इलाज करना होगा। क्या 6 महीने इलाज और माँ बन जाओगी? डॉक्टर साहब, ये क्या बोल रहे हो? अभी तो बोल रहे थे मैं मेरे अंदर कोई कमी नहीं है और मैं माँ बन सकती हूँ। अरे नहीं, ऐसा कब बोला मैंने? अभी तो बोला। अरे बस मैंने इसलिए बोला था कि तुम मुझे अच्छी लग रही थी और तुम्हारे साथ सोना था मुझे, तो मैंने इसलिए बोल दिया। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अरे इतना बड़ा इशू नहीं है, बस 6 महीने दवाई खाओ और फिर माँ बन जाओगी तुम। डॉक्टर साहब, ये गलत बात है आपकी। आपने मेरे साथ गलत किया, गलत तरीके से। आपको अरे ऐसा नहीं करना चाहिए अरे था। कुछ नहीं किया, ये तुम्हारे पति की रिपोर्ट एकदम क्लियर है और तुम्हारी रिपोर्ट में थोड़ी दिक्कत है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 6 महीने ट्रीटमेंट चलेगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ठीक है, आप जा सकती हो। और गलत की बात कर रही हो? अरे मौके का फायदा उठाया मैंने, जो हर कोई उठा लेता। अरे तुम अकेली हो और इतनी स्मार्ट हो, और घर से किसी को लाई नहीं हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ हो सकता है कोई? हैं? अरे घर से तुम किसी को लाती तो मैं ऐसा क्यों करता? अरे अकेली देख के तो कोई भी, समझ रही हो ना, कोई फूल तोड़ सकता। मैंने क्या बुरा किया? आप डॉक्टर के नाम पे कलंक हो, आप ये मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब गलत किया है, मैं पुलिस से कहूंगी। पुलिस से कहोगी तो क्या फायदा? अगर तुम्हारे पति को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ देगा और तुम अकेली रह जाओगी, तो इससे क्या फायदा होगा बताओ? आप जा सकती हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं छोड़ूंगी। हाँ तो करो, क्या करोगी? एक काम करो, मैं तुम्हारे पति को फोन लगाता हूँ और अभी बताता हूँ कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती किया कि मैं माँ बनना चाहती हूँ, इसके चक्कर में पागल हो चुकी है। अरे नहीं, डॉक्टर साहब, ऐसा मत करो। मेरा पति मुझे डिवोर्स दे देगा और मुझे घर से निकाल देगा। वो तो मुझे ही गलत समझेगा। अरे तो क्या दिक्कत है? और अपने पति को लेकर क्यों आई थी तुम? बोलो।
अरे अकेली जाओगी कहीं तो कोई मौके का फायदा उठा ही लेता जैसे मैंने उठा लिया। और हाँ, बाहर किसी से ये बात मत बोलना कि मेरे साथ अंदर ये हुआ, समझे? और तुम इलाज की टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। 6 महीने आप दवा खाओ और दवा ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ेगी, ठीक है? हाँ, गलती मेरी है, मुझे अकेले नहीं आने चाहिए था। या तो मैं नंद को साथ लाती या फिर अपने हस्बैंड के साथ आती, मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं क्या करूँ? कुछ मत करो, आप आइंदा ध्यान रखना, और ये तुम्हारे लिए नसीहत थी, समझे? अकेली भागने लगती हैं। लो पकड़ो, बाहर मेडिकल से दवाई ले लो।